और टूट पड़ो ठीक है टूट पड़ो ये भी पसंद है मुझे। दोस्तों हो चुकी है नई दिन की शुरुआत एक नए ब्लॉग के साथ। बाकी ना जिम से होके आ चुका है तो अभी चलते हैं होटल में। चलो ताला रहने दो वो लगा देंगे हम चलते हैं। और अंकल जी और मैं जा रहे हैं जी जल्दी 10:30 हो चुका वैसे तो टाइम बजे कल हम 12 बजे आए थे रात को और कल हमने ब्लॉग उतना नहीं बनाया बाकी जो भी बनाया वह देख लेना। चलो आराम से आ जाओ होटल पे जाके पहले नाश्ता करेंगे क्योंकि वो भूख लगती है तकड़ी वाली। नाश्ता नुस्ता बना कर अपने लिए अंकल जी के लिए सबके लिए फिर नाश्ता नुस्ता करते हैं निकलते हैं। पहुंच चुका मैं अपनी सोसाइटी में वो सामने पे है गेट और वहाँ से लगता है इधर की साइड जाना है हमने होटल के लिए। बाकी अंकल जी पीछे ही रह गए। कल होटल पे 3-4 पार्टियाँ थी फिर ब्लॉग भी नहीं बना पाया फिर किचन में बहुत सारा काम भी था बाकी आज भी बहुत सारा काम है वैसे जो कल का मतलब हमारे पास जो ख़त्म हो रखा है ना सामान उसको फिर रेडी करना है। और अभी सुबह पहले तो नाश्ता ही करेंगे जाके चाय चू पियेंगे फिर उसके बाद ही लगेंगे काम पे अगर टाइम मिलेगा तो ब्लॉग बनाऊँगा। ये देखो कितनी सारी गाड़ियाँ चल रही थी और वैसे मौसम आज भी ठंडा ही है अभी। ये देखो कितने दो ज़्यादा स्पेस आ रहे हैं इनको अभी रास्ता पता नहीं है ना तो मैं इनको मतलब थोड़ा आगे जाके फिर वेट कर रहा हूँ इनका क्योंकि ये इनको अभी उतना पता नहीं है यहाँ का। तो मैं इनको अपने साथ ही लेके जाता हूँ होटल पे फिर रात को भी साथ ही लेके आते हैं। ये देखो किधर गए सुबह सुबह का समय होते हैं यहाँ पे श्री राम के दर्शन जो कि देखो आप गाइस अभी सुबह सुबह जस्ट ये जो झंडे हैं ना सुबह सुबह नहीं थे यहाँ पे अभी अभी जस्ट लगे जब हम जिम जाते हैं ना उस टाइम पे नहीं रहते अभी अभी लगे तो सुबह सुबह दर्शन हो गए भगवान जी के। ये रही सामने पे एक बढ़िया सी पेंटिंग जो कि बढ़िया लगता है। तो हमारे रेस्टोरेंट के नीचे भी एक जिम है जो कि मैं दिखाता हूँ ये रहा सामने पे अभी अंदर म्यूजिक चल रहा है और एक जहाँ हम करते हैं वहाँ भी जिम है हम उस वाले में ही करते हैं एक ये वाला भी। तो अभी नाश्ता आ चुका हमारा पराठा आज चाय नहीं है यहाँ पे भी लगे हैं नाश्ता करने में। चलो नाश्ता करते हैं पहले तभी नाश्ता भी हो चुका है सुबह का और बाकी दो काम थे मेरे पास एक था व्हाइट ग्रेवी गरम करना टमाटर ग्रेवी गरम करना बाकी वो भी हो चुका है। और आज भी सूर्यदेव के दर्शन नहीं हुए ये सामने पे इतनी बड़ी पानी की टंकी पहली बार देखी। आज स्टाफ कम है ना आज कम ही दाल बनाते हैं। चलो खाना पीना बनाते हैं रेडी होते हैं रूम पे जाते हैं नहाते हैं खाना खाते हैं फिर खाना बाद में खाएंगे अभी नाश्ते के उसके बाद रूम पे जाएंगे नहाएंगे फिर आएंगे फिर फ्रेश हो तभी पूरा स्टाफ लगा है सफाई करने में। ये है गाइस गाइस पास्ता और ये है आपका आलू पराठा। तो अभी गाइस खाना नहीं खाया जस्ट लगे हैं आज सुबह से काम पे बाकी ना थोड़ी देर में अब चलते हैं रूम पे कपड़े कुपड़े भी है मेरे धोने के लिए शायद और नहाना भी है अभी गर्मी हो रही बहुत तगड़ी बाहर बाहर का मौसम दिखाता हूँ ये चेक करो गाइस बाहर का मौसम म्यूजिक चल रहा है कॉपीराइट दे देगा। तो गाइस बाहर चल रहा है म्यूजिक तो कॉपीराइट दे सकता है बाकी ना आज मस्त वाली धूप आ रही है। चलो जी खाना खा लो खाना खा लो मरम तो बोलने वाला था
दाई खाना खा लो। पत्रकार भी आ गई। पत्रकार पत्रकार चलो जी खाना खाते हैं, टाइम हो चुका है। देखो लग गए निकालने पे। टूट पड़ो गाइस, टूट पड़ो। दाई दाई को दे दो पहले, दाई दाई भूखे हैं कल से। दाई को खाना नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा दाई को, बहुत जरूरी। दाई खाना खा लो, अभी खाना आ चुका हमारा। अचार, चावल, दाल, प्याज। चलो खाना पीना खाते हैं, उसके बाद रूम पे भी जाना भी ना। दोस्तों अभी निकल चुका हूँ होटल से, खाना खाके जस्ट अभी निकल ही रहा हूँ। दोस्तों रूम पे पहुँचते ही मैंने पानी रखा है गर्म होने के लिए, बाकी यहाँ पे बैठ के वीडियो एडिट कर रहा हूँ। एडिट तो रात को कर लिया, अपलोड कर रहा हूँ अभी। अपलोड भी हो गई, 4 बजे का इस ब्लॉग आ जाएगा, देख लो जल्दी से। बस 5 ही मिनट बचे हैं, पानी भी गर्म हो गया। सभी जस्ट नहा के रेडी हुए थे, बाकी धूप के आगे पीछे लगे हैं बादल और धूप हो गई गायब। तो अभी नहा के रेडी हो चुका है, पर धूप ने धोखा दे दिया। मैं भी की सूर्यदेव के सामने बैठा हूँ, बट बादल लगे जैसे। सूर्यदेव ये सब क्यों, पहले भी तो लग सकते थे बादल, बट यहीं पे इंतजार कर रहा हूँ धूप का। आधा घंटा है सूर्यदेव, जल्दी से धूप लेके आ जाओ, जल्दी से वीडियो देख लो। वीडियो अपलोड हो चुकी है, जिसने भी नहीं देखी फुल सपोर्ट करना वीडियो को और फुल वॉचिंग करना वीडियो को। जल्दी देख लो वीडियो, ऐसे जाओ चैनल पे और सब्सक्राइब करना ना भूले। रूम से निकल चुके हैं, बाकी ये वाली हुड एनर्जी है मैंने सिलवाने के लिए दी थी यही अंकल जी के पास, बाकी इसका ये वाला जेब फट गया था और अभी सिलवा के जस्ट पहन लिया, अभी ठीक है। तो चलते हैं अब होटल पे, चाय चुई पीते हैं, ठंड लगी नहाने के बाद। सभी होटल पे आते हैं, मैंने चाय तो पी लिया, बाकी ना मुझे अभी ग्रीन चटनी बनानी है, और मुझे अभी ग्रीन चटनी बनानी, जब मैं बना के रेडी कर दूंगा उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा। बाकी आज मुझे ज़्यादा नहीं बनानी, थोड़ी सी ही बनानी है, शाम को पार्टी ऐसा है तो मुझे थोड़ा सा बनाना है। वैसे ज़्यादा तो वो सेब लोग बना लेते हैं और मुझे मतलब थोड़ा थोड़ा ही बनाना भी। तो चलो मैं आपको दिखाऊंगा कैसे बनाऊंगा मैं, और लास्ट में दिखाऊंगा जब बन जाए। चलो सब चीज़ मिक्स है ये हरी चटनी के लिए, इसमें मिर्च, पुदीना, धनिया, लहसुन, अदरक सब मिक्स है, बाकी मुझे ये खाली पीसना है। तो चलिए इसको पीस के अपना पीस करते हैं। तो मुझे क्या पसंद है, एक तो ये पसंद है सब। ये रंगे सुबह चाय के लिए, और टूट पड़ो ठीक है, टूट पड़ो। ये भी पसंद है मुझे, मुझे ये भी पसंद है। टूट पड़ो ये पसंद है। राहुल को टूट पड़ गई। राहुल दोस्तों यहाँ चुका हमारा खाना, बाकी मटर को भी। तो ब्लॉग एंड करते हैं, उम्मीद करते हैं ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट, और तब तक के लिए बाय।